अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के आगाज में मैं एक बड़ा अहम सेंटेंस बोलना चाहूँगा, ट्रीट योर माउथ विद हाईएस्ट रिस्पेक्ट। अपने मुंह की सबसे ज़्यादा आपने कदर भी करनी है, फिक्र भी करनी है, क्योंकि मुंह हमारी जिस्म का एक गेट है, एक दरवाज़ा है। मुंह साफ होगा तो आपका जिस्म भी साफ होगा, अगर मुंह साफ नहीं होगा तो बीमारियां पूरे जिस्म में अपना घर बना लेंगी, शुगर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, गुर्दों की बीमारी, दिल की बीमारी, मुंह से जरा सी अंदर जाके सारे जिस्म में आपके बीमारियों का घर बना लेंगे। इसके बाद एक बहुत ही एक दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक मरीज़ मेरे पास आया जिसके ने आज तक डेंटिस्ट को चेकअप नहीं करवाया, ना ही उसने दांतों की सफाई करवाई। इसके बावजूद उसके दांत बड़े साफ़ सुथरे थे और दांतों में कीड़ा नहीं लगा हुआ था, ना मसूड़े ख़राब थे, ना मसूड़ों से खून आता था। सिर्फ उसे चोट लगने से उसका सामने वाला दांत टूट गया, उसकी वो फिलिंग कराने के लिए आया था। उस मरीज़ के पास कुछ ऐसे टिप्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बड़े सेफ और फ़ायदेमंद थे, जिसमें सबसे पहला ये था कि वो धागे का इस्तेमाल करता था, डेंटल फ्लॉस। दांतों के दरमियान वाली जगह जहाँ जरासीम जमा होते हैं, खुराक जमा होती है, उसकी सफाई पे वो ख़ास तवज्जो देता था। शीशे में देख के दांतों के दरमियान जब भी खुराक फंसी होती थी उसे फ़ौरन धागे की मदद से निकाल देता था। उसके बाद जो दूसरा टिप था, बेकिंग सोडा हफ्ते में एक दफ़ा उससे ब्रश करता था, जिससे उसके दांतों में एक चमक भी आ गई थी। डेली करने का नुकसान है क्योंकि इसकी पीएच ज़्यादा होती है, दांतों को ये नुकसान पहुंचा सकता है। हफ्ते में एक दिन आप इसे सेफली यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो अहम पॉइंट था, वो दांतों के अलावा वो ज़ुबान को भी साफ़ करता था, स्क्रैप करता था। टंग स्क्रैपर मिलते हैं या ब्रश की बैक साइड से अपनी ज़ुबान को लाजमी वो साफ़ करता था। और जो चौथा पॉइंट था, हाइड्रोजन परऑक्साइड का माउथ वाश करता था, एक हिस्सा माउथ वाश एक हिस्सा पानी मिक्स करके सुबह शाम उससे कुरलियाँ करता था। यानी ये चारों पॉइंट्स उसके दांत बिल्कुल ठीक थे। अभी हर एक का अपना एक रिस्पॉन्स होता है, इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है। जैसे कुछ लोगों के दांतों में कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है, वो तीन तीन दफ़ा ब्रश करते हैं फिर भी दांतों में कीड़ा भी लग जाता है, मसूड़े भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर मुँह के अंदर जेनेटिकली बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है। इसके मुकाबले में कुछ लोग दांत साफ़ नहीं करते, कभी कर लिए कभी नहीं किए, फिर भी उनके दांत बड़े साफ़ सुथरे होते हैं। तो इसमें जेनेटिक्स का रोल बहुत अहम है। इसके अलावा खुराक डाइट का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि आजकल की डाइट में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मीठा बहुत ज़्यादा है, जो बैक्टीरिया बुरे होते हैं उनकी खुराक बनता है, जिससे मुँह में खराबियाँ बनती हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो आज बताने जा रहा हूँ, यूट्यूब पर कई वीडियोज़ में लोगों ने कहा है कि हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करें, ये जो ब्रश आपका है इसके जो दंदाने होते हैं हार्ड होने चाहिए, वो गलत है। ब्रश के दंदाने या फिलामेंट्स या ब्रिसल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होने का क्या फ़ायदा होता है? इसके लिए एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे मसूड़े या गम्स का एरिया सबसे सेंसिटिव ये जगह होती है जिस पर आपने ब्रश लाजमी करना है। अगर आप ब्रश इस तरह कर रहे हैं हार्ड ब्रश को, तो दांत आपके एब्रेड हो जाएंगे, रगड़े जाएंगे, दांतों में जगह जगह खड्डे बन जाते हैं, डिप्रेशन बन जाते हैं, मसूड़े अपनी जगह से पीछे हट जाते हैं। अगर आप नरम ब्रश इस्तेमाल करेंगे, नरम ब्रश के जो दंदाने हैं वो दांत के ऊपर जो मसूड़ा है उसके अंदर जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर घुस जाएंगे और उधर से भी जरासीम को बाहर निकाल लेंगे, जो बहुत ही अहम चीज़ है। नॉर्मली जो ब्रश होता है अगर हार्ड है वो इतनी गहराई में नहीं पहुंचता, नरम ब्रश दांतों के दरमियान भी थोड़ा सा चल जाएगा और मसूड़े के नीचे जो खला है उसके अंदर जाके भी अच्छी तरह सफाई करेगा। इसलिए सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, इससे आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सफाई करने का जो टारगेट आपका बढ़ जाता है और हर जगह आपकी अच्छी तरह दांत की और मसूड़े की साफ़ हो जाती है, जो हार्ड ब्रश आपका नहीं करता, बल्कि उल्टा वो दांत को भी रगड़ता है और उससे मसूड़े भी अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। अब ये सफाई के जो मसाइल हैं, अगर आप खुद ही अपनी केयर करें तो आपको डेंटिस्ट को विज़िट नहीं करना पड़ेगा, स्केलिंग नहीं करवानी पड़ेगी। हमारे पास रोज़ पेशेंट आते हैं, पहले वो स्केलिंग करवाते हैं, तो महीने बाद दोबारा उनका मसला वहीं का वहीं होता है, दांतों में दोबारा टार्टर बनने लग जाता है, प्लाक बनने लग जाता है, वो दोबारा स्केलिंग के लिए आ जाते हैं।
उसका फायदा नहीं, आपको खुद अपनी केयर करनी चाहिए। उसके जो तरीके हैं उसका मैंने बताया, जैसे सॉफ्ट टूथब्रश यूज करें, रात सोने से पहले सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करें, धागे का इस्तेमाल दिन में एक दफ़ा लाजमी करें, या आप एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। हफ्ते में आप 3 दफ़ा धागे का इस्तेमाल डेंटल फ्लॉस से कर लें तो वो भी काफ़ी होता है आपके मुंह से जरासीम के लेवल को कम करने के लिए। इसके अलावा जाइलिटोल एक बड़ी मैजिक चीज़ है, जाइलिटोल टूथपेस्ट भी अवेलेबल है, जाइलिटोल की बबल गम भी होती है। जाइलिटोल आपके मुंह में जो अच्छे बैक्टीरिया उन्हें खुराक मुहैया करती है, और जो बुरे बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स है उन्हें खुराक नहीं देती, जिससे वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, जिससे आपके मुंह में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, और मुंह के अंदर फ्रेशनेस आ जाती है, स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, कीड़ा भी नहीं लगता और सूंड़ों की बीमारी भी नहीं होती। अब हमें कैसे पता लगेगा, ये जब हमने ब्रश बड़ी अच्छी तरह कर रहे हैं इसके बावजूद कोई जगह मिस होगी, तो उसके लिए आप ये देखते हैं, अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो उसमें मसूड़ों से आपको खून तो नहीं आ रहा। अगर मसूड़ों से खून आ रहा है इसका मतलब ये कि आपके ब्रश के दंदाने मसूड़े के अंदर तक नहीं जा रहे, गम्स के अंदर जो स्पेस होती है थोड़ा सा ये दंदाने या फिलामेंट्स उसके अंदर भी जाने चाहिए। अगर ये उस जगह को साफ नहीं करेंगे तो मसूड़ों पे बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज बना लेंगे, वहाँ से खून भी आएगा, मसूड़े स्वेल होना शुरू हो जाएंगे और अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। मास्कोरा या जिंजिवाइटस इसे कहते हैं। अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग ही करें सिर्फ, तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका मसला ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दरमियान ब्रश करना छोड़ दिया, धागे का इस्तेमाल छोड़ दिया, तो दोबारा ये जिंजिवाइटस का मसला आपका हो जाएगा। और ये जिंजिवाइटस ऐसी चीज़ है जो आपकी पैदाइश से लेके आपकी थ्रू आउट लाइफ में हज़ारों दफ़ा होता रहता है। ब्रश करते हैं तो ठीक हो जाता है, ब्रश नहीं करते तो हो जाता है। ये बेसिकली एक रिवर्सिबल कंडीशन है जिसमें दांत हिलते नहीं है, सिर्फ मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों की स्वेलिंग होती है, मुंह से स्मेल आ सकती है। इससे अगली स्टेज पेरियोडोंटाइटिस होती है जो इरिवर्सिबल है, जिसका इलाज भी मुश्किल है और दांत भी हिलना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली जो हमारे लिए दांतों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों मसूड़े या गम्स है, क्योंकि ये गम्स ने दांत को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। अगर हमारे मसूड़े ही कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी अंदर से सफाई अच्छी तरह नहीं होगी, तो क्या होगा, दांत कमज़ोर होंगे, दांत हिलने लग जाएंगे। इसके अलावा दांत के बहुत जल्दी मुंह से बाहर आने का रिस्क बढ़ जाएगा। अब एक और बड़ी जो हम फीडबैक लेते हैं टिप्स का, बड़ी अहम है, कोकोनट ऑयल पुलिंग। जो लोग ऑयल पुलिंग करते हैं, यानी कि सब सुबह के टाइम सबसे पहले उठ के कोकोनट ऑयल को मुंह में प्लेस करके उससे मुंह अच्छी तरह हिला के कुरलियाँ करते हैं, उनके मुंह में भी इन्फेक्शन भी नहीं होती, दांत भी सफ़ेद होते हैं, मसूड़े भी उनके बेहतर होते हैं। तो अब ये फैसला कैसे हम करते हैं कि एक मरीज़ हमारे पास आया, उसकी डेंटल क्लीनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो अगर उसके दांतों पे कोई हल्का फुल्का सा पत्थर है, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा है, और मसूड़े उसके बेहतर हैं, कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई एक्टिव बीमारी नहीं, तो हम उसे नहीं करते। लेकिन जो मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनके मुंह से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, स्मेल आ रही है, मसूड़े सूजे हुए हैं और जगह जगह पूरा मुंह पत्थर से या टार्टर से भरा हुआ है, उनमें स्केलिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारा जो जोर या स्ट्रेस इसी बात पे होता है कि आपने ब्रश प्रॉपर करना है, ब्रश के दंदाने थोड़े से मसूड़े के अंदर जाने चाहिए, जब तक वो नहीं जाएंगे वो एरिया साफ नहीं होगा, और वही एरिया बेसिकली क्रिटिकल होता है। अगर वो मिस हो जाएगा तो उस जगह पे जो गम्स के मार्जन है उधर से इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी और ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने दांत की खुद केयर करेंगे। ज़्यादातर जो मसले पैदा ही नेगलेक्ट से होते हैं, कुछ लोग एफर्ट ही नहीं करते, कुछ लोग दांत साफ ही नहीं करते। 90% लोगों का ब्रश का तरीका गलत होता है, वो इस तरह हॉरिजॉन्टल ब्रश करते हैं जिससे आधा दांत साफ होता है और आधा आपका मिस हो जाता है, और मिस भी वहाँ से होता है जहाँ हमारा मसूड़ा या गम्स होते हैं। तो अपने ब्रश के तरीके को आपने सही करना है, ब्रश सॉफ्ट यूज़ करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, कोशिश करनी शीशे में देख के करें। ये बहुत बड़ी आपकी एक मोटिवेशन भी है, जब आप मिरर में देख के ब्रश करते हैं तो आपको पता लग जाता है आप कौन से पॉइंट्स मिस कर रहे हैं और कौन से पॉइंट पे ब्रश आपका अच्छा हो रहा है। जब ये एक रिफ्लेक्स बन जाएगा तो आप मिरर के बगैर भी आप अच्छा कर सकेंगे।
तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।